अनुज हैं, और जब हम फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना, जैसे न्यूटन आई, क्या आप निराशावादी हैं? नहीं, मैं आदिवासी हूं, तो लगता है वाओ। पर उस वाओ का सफर यहां से शुरू होता है। एक अनुज लुगन एक सिमडेगा से निकलता है, पढ़ाई करता है, एक यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रोफेसर हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को वहीं तक सीमित नहीं रखता है। वो अपनी कविता के जरिए आपके शहरों में घुस आता है, हर्फ उसकी कुदाल बन जाते हैं, और वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि ये जो आप तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जरूरत भर उसके पीछे किन लोगों की मेहनत है और किन लोगों के ऊपर की गई मेहनत है। शीर्षक है गोह की कविता, पहला हिस्सा। इसका नाम तोरण भी है, इसका नाम तोरण भी है, शायद तुम इस नाम को नहीं जानते। मुंडा ऐसे ही कहते हैं गोह को अपनी भाषा में। ऐसी ही कई भाषाएं हैं जिसमें गोह को कहा जाता है, इस तरह तुम कह सकते हो गोह एक नहीं है। कई गोह हैं तुम्हारे ही आसपास, लेकिन तुम कहते हो गोह विलुप्त हो रहे हैं। मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि भाषाएं यूं ही नहीं मरती, एक गोह मरता है और एक भाषा मर जाती है। दूसरा हिस्सा। पुराने समय में जिनके राजा थे उनकी प्रजा कहती है गोह की कथा। वे कहते हैं गोह दीवार से चिपक जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसके सैनिक किला भेद लेते थे। पुराने समय की बात आज भी सच है, गोह अब भी अपनी ताकत में पहले जैसे ही हैं, उसी की पूंछ पकड़कर होता है हमेशा तख्ता पलट। सवाल यह है कि तुम किला भेदना चाहते हो या नहीं, किले तो अब भी हैं और गोह भी। तीसरा। एक गांव का नाम है गोह, यह बिहार में है। एक गांव का नाम है गोह, यह बिहार में है। 80 के दशक में जाओ उस गांव में, या 90 के दशक में, या आज़ादी के बाद किसी भी तारीख में, तुम्हें दिखाई देंगी उजड़ी हुई झोपड़ियां, बिखरे हुए खेत, सड़क पर चलते हुए मजदूर, जूतों में कील ठोकते मोची, या ऐसे ही कई कारीगरों को देख सकते हो। स्त्रियों के सिर से सरक रहे आंचल को देखकर तुम कह सकते हो गोह महज एक गांव का नाम नहीं है। यह एक समाज है, इसका टोटेम गोह है, और गोह सदियों से उनके स्मृतियों में है, यानी कि वे अपना इतिहास जानते हैं, अपने पूर्वजों को पहचानते हैं, और ये कभी भी अपनी ऊंची आवाज में कह सकते हैं इनकलाब का नारा। चौथा। तुम बहुत रोमानियत महसूस करते होगे एक गोह को देखकर। गूगल तुम्हें बहुत सहजता के साथ दिखा देता है गोह की तस्वीर। तुम बहुत रोमानियत महसूस करते होगे एक गोह को देखकर। गूगल तुम्हें बहुत सहजता के साथ दिखा देता है गोह की तस्वीर, लेकिन क्या तुमने सचमुच गोह देखा है? शायद तुमने गोह नहीं देखा है। वह रेंगता हुआ निकलता है अपनी बांबी से, बहुत आराम तलब है वह, अपने खाने भर का जुटाता है। उसके यहाँ फ्रिज नहीं होता, ना ही उसे अपने चलने को लेकर फिक्र होती है, और इसीलिए उसे कभी मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोचो कितना हंसता होगा वह मेट्रो को देखकर। जरूर वह सोचता होगा कि इंसान रेंगने से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सके, और बढ़े भी तो लौटे गुफा की ही तरफ। तुमने सचमुच गोह नहीं देखा, वह तो तुम पर हंसता है। आखिरी हिस्सा। तुम कहते हो गोह तो गिरगिट प्रजाति के जीव हैं। जो जीव विज्ञानियों से पूछो तो वे तुमको यही जवाब देंगे। तुम कहते हो गोह तो गिरगिट प्रजाति के जीव हैं,
जीव विज्ञानियों से पूछो तो वे तुमको यही जवाब देंगे, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि गोह रंग नहीं बदलते गिरगिटों की तरह। तुम नाहक गोह को बदनाम करते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही जीव विज्ञानियों की। यह तुम्हारे अभ्यास का हिस्सा बन गया है चुनाव के दिनों में वोट डालते डालते। देखिए, अगर आपको हमारे चैनल्स बिहारी बैक बेंचर्स में जितने भी वीडियोस प्रस्तुत किए गए हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एल एस और एस का थ्योरी आप लागू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का लुत्फ़ उठाएं। ऐसे पसंद नहीं आता है फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। Yes, और we'll be waiting for the suggestions. Thank you. सबसे इम्पोर्टेंट, बेल बजाना ना भूलें। Thank you.